والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عز وجل हमारे मसाले और उनका शरी हल आज ये बताना सिलसिला है कि हम भी दादा इस सिलसिले में मुख्तलिफ सवाल किए जाते हैं और उनके जवाब शरी हल के मुताबिक पेश किए जाते हैं। आपके रहमत जो सवाल हों आप बारी बारी कीजिए, इन शाला सवाल के जवाब दिए जाएंगे। रोशनी पढ़िए सल्लो कबीर اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه طبعا سوال کچھ رہا ہے آپ ایک سوال کیا تھا کیا سوال تھا इनका सवाल ये है कि माह रमज़ान मुबारक इस्लामी अलहमदिल्ला जैसे जाविया से सुनते हैं सिलसिला शुरू किया था कि रोज़ाना नमाज अदा की बात हर बारे में या हर सूरत में जहाँ जहाँ किसी नबी का जिक्र आया तो उस नबी का जिक्र किया गया। तो ये कह रहे हैं कि पूरे कुरान करीम के अंदर पूरे जैसे तरावी के दौरान सैयदना इमाम हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु सैयदना फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु का तस्करा नहीं हुआ तो इसकी क्या वजह है? क्या रखेंगे अमर तो जो कि हमारा मोदस था अम्बिया के साथ यानी जिन नबियों का जिक्र आया था तो हमने उनकी सीरत बयान की थी और ये नबी नहीं है हज़रत अली फ़ातिमा ज़हरा और हसन अली कहीं नहीं नबी नहीं है तो इसलिए हमने इनका जिक्र नहीं किया। जबकि दूसरा पहलू हम देखा जाए कि कुरान करीम में किसी नबी का जिक्र है, इनका जिक्र है या नहीं, इन चारों हज़रात का इनका जिक्र है या नहीं, या इनका जिक्र अगर है तो की बात क्यों नहीं किया, तो ना करने की वजह तो ये नहीं कि अंबिया का जिक्र था इनका जिक्र नहीं किया, लेकिन इनका जिक्र कुरान करीम में मौजूद ज़रूर है। कुरान करीम के अंदर याद रखिए कि सैयदना सुना फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हसन अली करीम और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इनके मुताबिक कुरान करीम में बज़ाहिर नाम लेकर तो कुरान करीम का जिक्र नहीं आया, वो तो सिर्फ एक ही सहाबी का जिक्र हुआ है और वो है हज़रत ज़ैद, उनका नाम कुरान मजीद में आया है और किसी सहाबी का नाम कुरान मजीद में नहीं आया। इसी तरह अम्बिया भी कमों पेश के 124,000 हैं लेकिन उनमें से सिर्फ 26 अम्बिया के नाम कुरान करीम में जिक्र हुए हैं और वो उन 26 में से ही चंद तो ऐसे हैं कि एक या दो मरतबा ही नाम कुरान करीम में आया है, जबकि ज़्यादा जिक्र यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस तरह नाम कुरान करीम में 4 मरतबा जिक्र हुआ है, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सबसे ज़्यादा नबियों में नाम जो है वो कुरान करीम में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का है। तो इस तरह नाम बज़ाहिर नाम आना इसका मतलब ये नहीं कि कुरान करीम में जिक्र मौजूद नहीं। सूरह दहर में जो आयत करीमा है वलीमोनिमीन ये पूरी आयत करीमा इन्हीं चारों हज़रात के मुताबिक नाज़िल हुई है। मैं बनाता है कि ये रोज़े से थे, नफली रोज़े जारी थे कि एक साई एक मांगने वाला उसने दरवाज़े पर सदा दी और इफ्तार के वक्त जो कुछ सामने रखकर बैठे थे उसने अल्लाह के नाम पर सदा लगाई तो इन्होंने यानी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने या हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने सामने जो कुछ रखा था वो उठाकर उस मांगने वाले मिस्कीन को दे दिया और अगले दिन इसी तरह इन्होंने रोज़ा रख लिया। फिर जो है वो इसी तरह इफ्तार का वक्त करीब आया फिर किसी यतीम ने सलाह लगाई कि मैं यतीम हूँ और मुझे खाना दरकार, इन्होंने वो अपनी इफ्तार का खाना उस यतीम को पेश कर दिया और फिर जो है वो अगले दिन इन्होंने तीसरा एक लगातार रोज़ा रखा और फिर किसी कैदी ने सलाह लगाई कि मैं कैदी हूँ और जो है वो मुझे खाना दरकार है और इन्होंने अपने आगे रखा हुआ खाना दाल का वो खाना पेश कर दिया। आप देखिए कि ज़रा सोचने की बात है, पर तो हम सोचें कि हमारे सामने कार का वक्त हो और जो कुछ हमारे सामने हो, अब तो हमारे सामने ढेर लगा तो होता है मुख्तलिफ़ किस्म के खाने खाने होते हैं तो हम थोड़ा बहुत कुछ दे भी दें तो हमें फर्क नहीं पड़ता और देखा कि हम शहरी में भी अच्छी तरीके से जो है वो शहरी कर लेते हैं तो आम तौर पर दिखना जो है वो मुश्किल नहीं लगता, लेकिन इनके पास अब तो इतना सारा ढेर नहीं होगा था खाने का, खाना क्या होगा था मजदूर उड़ पानी या कुछ ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ खाने के लिए होता बस।
तो वही सारे का सारा उठा कर दे दिया। और फिर एक दिन देखा जाए, दो दिन देखा जाए, तीन दिन लगातार, जब ये बात हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्ते को भेज दिया और इनका नाम बताया तो जिक्र नहीं किया, लेकिन इनके बारे में कोई आयत नाज़िल हुई तो ये पढ़ी मोना तो आम आलम कभी ही मिस्कीन व यतीम व असीरा, कि ये है वो अल्लाह के नेक बंदे हैं कि जो उसकी मोहब्बत में यतीम को, मिस्कीन को और कैदी को खाना खिला देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका ऐसा जिक्र फरमा दिया जो का कयामत बाकी रहेगा। तो इसलिए जो है वो ये जिक्र कुरान करीम में मौजूद है और इंशाल्लाह ताला कभी मौका होगा तो बाकायदा इस तरह हमारा और काम कभी आएगा दोस्त हसन करीम है, जबकि रमज़ान मुबारक में शहादत यानी जो इक्कीस रमज़ान को हुआ करता है तो उसके मुकाबले बयान हुआ करता है, किया गया था अलहम्दुलिल्लाह यहाँ के काम वाले जो मौजूद थे उनके दरमियान ये हरफ़ैन के मुताबिक बयान किया गया था। और गालिबा तीन रमज़ान मुबारक जिसकी इज़्ज़त फातिमा की ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला का उस हुआ करता है, तो इंशाल्लाह आइंदा रमज़ान के मुताबिक बाकायदा इंशाअल्लाह जिक्र किया जाएगा। दूसरी पढ़ी اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه। फिर फरमा रहे थे आपके, मतलब नवाजी के आगे से गुजरने का गुनाह। अच्छा, कुछ लोगों के जहन में ये बात है कि तीन सफ़े छोड़ के चौथी सफ़े आगे गुजर जाओ, मतलब ठीक है, ऐसा क्या है? मेरा सवाल ये है कि नवाजी के आगे से गुजरना गुनाह है, जैसा कि हदीसों का खुलासा बयान किया गया है कि 100 साल भी अगर वो खड़ा रहना पसंद करे और उसी के पता चल जाए कि हमारे यकीन से गुजरने में क्या है तो वो 100 साल खड़े रहना पसंद करेगा लेकिन गुजरेगा नहीं। ये गुनाह इसके मुताबिक गलतियाँ अपनी जगह मौजूद हैं। आप जो फरमा रहे हैं कि लोग ये समझते हैं कि तीन सफ़ों से आगे गुजरना इसकी इजाज़त है, याद रखिए कि इसका मतलब ये है कि अव्वल तो मस्जिद ऐसी बड़ी मस्जिद हो कि जहाँ या किस तरह मैदान कहते हैं कि जो मैदान नमा मस्जिद कोई बहुत बड़ी मस्जिद हो, हमारे यहाँ पर जो मस्जिद है छोटी मस्जिद में शुमार होती है, इस तरह शाही मस्जिद है वो बड़ी मस्जिद है, ठीक है, इस तरह की जो बड़ी मस्जिदें हों या जिसको कहा जाए कि अच्छा अहाता हो जिसमें जगह आस पास नमाज पढ़ने की भी जगह हो, तो उन जगहों पर जो है वो इस तरह गुजरने की इजाज़त है। और वो गुजरने की इजाज़त किस तरह है कि नमाजी का जो मौज़ा सजदा है या जहाँ उसने सजदा करना है उससे आगे तीन सफ़े छोड़कर, जिसका मतलब ये है कि अब गैर नमाजी की एक सफ़र निकल जाएगी, दूसरी दिन जाएगी, तीसरी दिन जाएगी, चौथी दिन जाएगी, उससे आगे उसकी निकाह नहीं जाएगी, क्योंकि नमाजी को हम ये कि वो आगे नीचे करके सजदे वाली जगह पर देखते हैं आपकी हालत। तो अब चूँकि उसकी नज़र और हम भी आमतौर पर जब खड़े होकर अपनी आँखें नीचे करते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो 4-6 फीट से ज़्यादा हमारी नज़रों में नहीं आता, तो इस वजह से जो है वो उससे उसको आगे गुजरने की नहीं चाह रहे। तो ये जो है वो सही है कि अगर कोई किसी मस्जिद में बड़ी मस्जिद हो अगर वो किसी नमाजी के आगे से गुजरना चाहता है तो वो इतनी जगह छोड़ कर कि जहाँ तक उसकी नज़र ना फैल रही हो तो उसके आगे से वो गुजर जाए, तो उसमें फिर करा रहा है। छोटी मस्जिद में ऐसा नहीं, छोटी मस्जिद में जो है वो सुधरे के बगैर नहीं गुजर सकता, ठीक है, ये बड़ी मस्जिद का होगा। अगर कोई अपनी गलती की तौबा कर ले, माफ़ी मांग ले, भाई हो, बहन हो, बीवी हो, और कहेंगे तमाम गलतियों की मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, अगर वो माफ़ ना करे तो उसके बारे में क्या होगा? बड़ा अच्छा इन्होंने सवाल किया और ये हाल के अतबार से हमारे यानी आज का जिस तरह की ज़माना लोग अब तक तो माफ़ी मांगते नहीं हैं, जो है वो गलती करके भीड़ बन जाते हैं। याद रखिए कि अल्लाह की बारगाह में एक तो है गुनाह और फिर उस गुनाह के ऊपर इसरार भीड़ बना, यानी उसे ना छोड़ना, ये और बड़ा गुनाह है। इसी तरह लोगों के सामने भी जो है वो लोग, अब अल्लाह ताला का और बंदों का मामला तो अपना है, अल्लाह तो फरमाता है कि मेरे सामने अगर वो सच्चे दिल से तौबा करता है तो उसके गुनाह समंदर की ढाल के बराबर भी हों तो वो भी मैं माफ़ करवा देता हूँ, और ऐसी माफ़ी देता हूँ कि वो सच्ची तौबा करता है तो उसके आज़ाद को करामन काबिलीन जो फरिश्ते लिखने वाले नायब अमाल हैं, जो उसने गुनाह लिखने वाले फरिश्ते ने जो कुछ उसमें लिखा है सच्ची तौबा करें तो ये सब जो है वो मैं भुला देता हूँ, नाम अमाल से मिटा देता हूँ, बल्कि अल्लाह ताला तो फरमाता है कि मैं उसके गुनाहों को नेकियों से बदल देता हूँ। यानी ये तो रब्बुल आलमीन की शान है, वो तो है ही करीम, उसकी तो शान ही निराली है। अब बंदे अव्वल तो ये सोचें कि क्या हम खुदा से भी बढ़ गए, क्या हम खुदा से भी बढ़ गए, रब्बुल आलमीन होकर वो अपने बंदे को माफ़ कर दे, और एक इंसान जो है अगर उससे कोई माफ़ी मांगे तो वो जो है वो अपनी अल्लाह का मसला बनाए, वो कहे कि नहीं नहीं नहीं, अगर इस तरह पड़ जाएगा तो उसको सोचना चाहिए, याद रखिए कि ऐसे शख्स को ज़रा गौर करना चाहिए कि
वो अपने रब से जिस तरह माफ़ी की उम्मीद रखता है, ऐसे ही ये उसे चाहिए कि लोग भी अगर उसे माफ़ी की उम्मीद पर माफ़ी मांगते हैं तो उसे माफ़ कर लेना चाहिए। क्यों? अल्लाह ताला को क्या पता यही अल्लाह पसंद आ जाए बंदे की, और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस वजह से कि इसने मेरे बंदों को माफ़ किया मैं इसको माफ़ करवा दूँ, तो इसलिए लोगों को चाहिए कि वो अपन को माफ़ करना यानी अपनी आदत में शामिल कर दें। हर जाना इंसान ने साथ लेकर कुछ नहीं जाना, सब कुछ यही धड़े का धड़ा रह जाएगा, आना मैं अकड़ और माल जायदाद पैसा इज्जत शोहरत सब कुछ यही रह जाएगा, इंसान जाएगा उसके बाद उसकी वो आना याद रखी जाएगी कि उसमें तो अकड़ बहुत थी, उसमें तो मैं बहुत थी, वो तो किसी से जो है माफ़ी मांगने का रवादार नहीं था, कोई माफ़ी मांगता था तो उसको माफ़ नहीं करता था। तो इसकी ये बातें क्या आपने करने के बाद ये नहीं पीछे ये बातें करवानी है, तो वह तो माफ़ करना चाहिए, माफ़ी मांगनी भी चाहिए। और जो माफ़ नहीं करता इसके बावजूद, देखिए याद रखिए कि चूँकि रब्बुल आलमीन का शान निराली जैसे मैंने जिक्र किया, बंदे का हर एक का अपना हक है, माफ़ करना भी उसके अख्तियार में है और ना करना भी, वो माफ़ दे माफ़ी दे या ना दे, हुक्म तो यही है कि माफ़ कर देना चाहिए। यानी हम ये उसको इंसानी हक के अतबार से कह रहे हैं, अखलाकी अतबार से कह रहे हैं, या उसको नेकी के तौर पर कह रहे हैं, हमारे बुजुर्ग तो कैसे कैसे अलग अलग गुनाह हमारे माफ़ कर देते थे, बाद रिवायतों में खुलासा मिलता है, बल काज़िमीन अल-ग़ैज़ वल-आफ़ीना अन-नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। क्या हुआ कि एक बुजुर्ग अपने बच्चे को हाथ में लिए बैठे थे जो कि गरीब पास से गुजरी और उसके हाथ में सीख, ये जो जिसमें हम सीख घूमते हैं गोलियाँ जो है वो सीख नौ का जो लोहा उसके हाथ में था गुजरे उसके हाथ से छूट गया, वो सीधी सीख बच्चे के गले में जाकर जो है वो अंदर घुस गई और वो बच्चा वहीं मर गया। अब सोचें कितना उसको तो गुस्सा आया है, कितना तो दुख तो हुआ, गुस्सा कितना आया, तो उन्होंने जो है वो सिर्फ जलाल से गुस्से से देखा तो वो कनीज जो थी वो खादिमा जो नौकरानी की घर की उसने ये आयत पढ़ी, बल काज़िमीन अल-ग़ैज़ और गुनाह और अपना गुस्सा पी जाने वाले, और बुजुर्ग ने ये अल्फाज सुने फौरन ही अपने मुँह से जो है वो कहा कि मैंने अपना गुस्सा पी लिया, फौरन जो है वो ठंडे हो गए अपनी आँखें नीचे करी, फिर उसने कहा बल काज़िमीन अल-ग़ैज़ और वल-आफ़ीना अन-नास और लोगों से दरगुजर करने वाले, और बुजुर्गों ने यह सुना ये अल्फाज कुरान के सुने फौरन कहा मैंने तुम्हें अल्लाह के लिए माफ़ कर दिया। उसने आगे बढ़ा दिया मोहसिन अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है, यानी एहसान करने वाले यही शख्स कि जो अपना गुस्सा पी जाए और गुस्सा पीने के साथ साथ माफ़ भी कर दे, तो फरमाया ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन एहसान करने वाला शुमार करता है और ऐसे एहसान करने वालों से अल्लाह मोहब्बत फरमाता है। ये अल्फाज उन्होंने सुने तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जामे अल्लाह की रजा की खातिर आज़ाद कर दिया। अब देखिए कितना हमारे बुजुर्गों का असलाफ का ये जज्बा था कि वो कैसी गलती, हम जैसे होते तो बड़े जान उसकी दे देते कि मेरे बच्चे की जान तुमने दे दी चाहे गलती से सही, तो इसलिए माफ़ करना चाहिए। लेकिन फिर भी बहरहाल जिसका हक दबाया, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे 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 काफिरों को माफ़ किया, हालांकि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के कातिल थे हज़रत सैयदना सैयदना हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु, उनकी जो कातिला थी इनका उसने क्या किया था, कत्ल करवाया था एक हबशी से हज़रत हमज़ा को, और कत्ल करवाने के बाद उनका जिस्म, अब देखिए इससे बढ़कर और क्या होगा, जिस्म उसे चीर दिया था, पेट चार कर दिया, चीर मार शहीद करवा दिया, उससे भी उसकी आग नहीं बुझी, फिर उसने सीना चीर दिया पूरा, सीना चीर का आपसे कलेजा निकाला, कलेजा उसने कच्चे दांतों से चबाया, आप देखिए हद देखें इंतहा, और फिर इसमें बचने की नाक काट लिया मरे हुए आदमी का शहीद आदमी का, और औरत होकर कितना जिगरा, आंखें बाहर निकाल दी नाक काट दिया ठीक है कान काट दिए मुसला इसको करना कहते हैं मुसला कर दिया, ये हिंदा कली को बाद में जब मुसलमान हुई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर ईमान लाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत को भी माफ़ करवाया, इस औरत को भी माफ़ करवाया, कितना बड़ा यानी कि आपने की माफ़ी का ऐलान किया। मक्के के लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या क्या किया था, वो क्या था जो नहीं हुआ था हुजूर के साथ, आपको मजनून पागल दीवाना शायर काहिन जादूगर ये सब कहा गया था, पत्थर आपको मारे गए थे, गंदगियाँ आप पर डाली गई थी, आपके सहाबा को अलग परेशान किया गया, आपके अहलोयाल को अलग परेशान किया गया, आपको एक तन घाटी में बायकाट करके महसूर कर दिया गया, फिर आपको हिजरत पर यानी आपके कतल का मनसूबा बनाया गया, इज्जत तो एक तरफ रह गई, कतल यानी जान यानी इज्जत से बढ़कर फिर जान पर जब बात आ जाए, जान देने की कोशिश की गई,
फिर हिजरत पर मजबूर कर दिया, उसके बाद भी चैन से नहीं बैठने दिया गया, ये सब कुछ हो गया। फिर आपने कहा फतेह मक्का हुआ, फतेह मक्के पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ऐसे सालों को माफ़ फरमा। तो हमारे हम तो उस नबी की उम्मत ही हैं, हम तो उस रब के बंदे हैं। तो हमें अल्लाह की सुन्नत से भी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से भी यही पता चलता है कि हमने साथ गलत करने वालों को माफ़ किया जाए। तो उन्होंने माफ़ किया, अब जो माफ़ नहीं करता तो ऐसा शख्स जो है वो मैं समझता हूँ उसके ऊपर ये तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो गुनाहगार है, क्योंकि माफ़ी मांगी जिसने, जिसका हक दबाया था, चूँकि उसका हक मारा गया था, अब उसकी मर्जी है वो माफ़ करे या ना करे, लेकिन माफ़ कर देना चाहिए। मैंने कहा कि साथ कुछ नहीं लेकर जाना, ये सब खत्म हो जाएगा। हमारे जो क्या क्या खून हो जाते हैं, क्या होता है, छोटी मोटी गलतियाँ ही होती हैं ना, वो माफ़ कर देनी चाहिए। और बड़ी गलती भी कितनी होगी, जब कतल तक के गुनाह माफ़ कर दिए गए तो फिर जो है हमारे यहाँ पर ये इससे बड़े गुनाह तो शायद नहीं होते। कोई जुमला कह दिया, कोई बात कह दी, या मुँह से कोई ऐसी गलती से कोई ऐसी बात निकल गई कि जिससे जो है वो दिल दुख गया, इज्जत पर बात आ गई, या और कोई बात हो गई, तो उसको अल्लाह की निगाह में खातिर माफ़ कर दिया। उसके फ़ज़ाइल भी बढ़े इंशाल्लाह, ये किसी किताब से बाकायदा मुस्तनद अहादीस सुनो के फ़ज़ाइल पर बाकायदा पुराने करीम के अंदर जो है वो आयात वारिद हुई हैं। ये अल्फाज पुराने करीम के अंदर आया है कि दिलों के अंदर तो जो है वो एक कीना ये रख लिया गया है, लेकिन क्या है वसुलु खैर और सुलह बेहतरीन चीज़ है। तो माफ़ी एक तरफ से माफ़ी, दूसरा बंदा जब माफ़ी मांग ले तो बोला उसने अपनी गलती मान ली। बाद लोग ऐसे ढील होते हैं, उनकी गलती भी मानने को तैयार नहीं होते, और वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि जिस यानी एक चोरी ऊपर से सीना दूरी कि गलती करके फिर उसको ना मानेंगे ना माफ़ी मांगेंगे। तो ऐसे लोगों से तो ज़ाहिर सी बात है कि फिर कोई शख्स ऐसे लोगों से तो रब्बुल आलमीन के राजी नहीं होता कि जो गलती करके माने भी ना। हाँ, अगर गलती हुई है, वाकई गलती हुई है, तो मान ले, मानने के बाद फिर माफ़ी की दरख्वास्त करे सामने वाले से, वो माफ़ कर दे तो उसकी मेहरबानी, करना उसका हक है माफ़ करना या ना करना, कर दे तो उसकी मेहरबानी, ना करे तो उसकी मेहरबानी। हाँ, गलती ज़रूर माननी चाहिए, पर अगर कोई गलती मान रहा है तो फिर उसकी रियायत करनी चाहिए। सरोल की दो सवाल होता है, इसके अंदर सवाल है, सवाल होती है आपकी सुन्नत पर आप नमाज में हो और अजान हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? ऐसी बात है कि नमाज के दौरान वो अजान का जवाब तो नहीं दे सकता, उसे नमाज अपनी जारी रखनी चाहिए। इस तरह नमाज पढ़ रहा है तो नमाज के दौरान नमाज का जवाब नहीं, अजान का जवाब वो नहीं दे सकता। तो अगर उसे पता है कि मालूम है कि भाई 8:55 पर अजान होती है, अब ऐसी बात है अगर वो पसंद आ गया है और उसी वक्त से नमाज शुरू कर, उसको पता है कि मैं नमाज़ पढ़ूंगा तो अजान होगी लाजमी, तो उस वक्त वो तो चाहिए कि भर मजार अजान होने दे उसके बाद नमाज पढ़े। हाँ, अगर इतफाक नमाज पढ़ा उसके रहम में नहीं रहा, फिर अजान हो गई तो मैं उसको रुपये गुना चाहिए। तो ऐसे में उसको कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि वो अजान का सवाब भी पाए, उसके बाद नमाज का भी सवाब पाए। देखिए नमाज जब वो अपन तो मस्जिद के अंदर जब तक जगह है, जब तक मस्जिद में जगह है और मस्जिद में भी जब तक अगली सफ में जगह है, पीछे नमाज शुरू कर देना नाजायज़ है। अगर नमाज शुरू करेगा तो गुनाहगार होगा, अगर जो उसकी नमाज हो जाएगी, नमाज तो उसकी हो जाएगी लेकिन गुनाहगार होगा। असल में हमारे नज़दीक जो शरीयत में है गुनाहगार होगा, हमारे नज़दीक कोई मामूली सी बात है, गुनाहगार हो क्या हो, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। हम समझते हैं कि गुनाहगार होना कोई ऐब नहीं है, याद रखिए कि गुनाह करना जानबूझ कर, और खासकर मस्जिद में देखिए ना, आप अल्लाह के घर में आकर भी वो गुनाहगार हो रहा है, सोचने की बात है, अल्लाह के घर में भी गुनाहगार हो रहा है तो क्या कि वो इबादत सही तरीके से नहीं बजा रहा। तो फिर बाहर का गुनाह अपनी जगह, लेकिन अल्लाह के घर में किया जाने वाला उससे बड़ा गुनाह। तो ऐसे गुनाह से बचना चाहिए क्योंकि हम नहीं जानते कि उस गुनाह का क्या बवाल होगा, उस गुनाह का क्या हम पर निकाब पड़ेगा, क्या उस पर हमारा उसका हम पर अजाब आएगा, हम नहीं जानते। इसलिए हमें हम लोग को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने सर पर गुनाह ना लें, कि गुनाह को मामूली नहीं समझना चाहिए, गुनाह बहुत बड़ा एक तरह से जो है वो ऐसा हुक्म है अल्लाह की तरफ से कि अगर ये किसी शख्स के साथ सादिर हो तो फिर उसका जो उस पर बवाल पड़ता है वो भी जानता है, रब्बुल आलमीन ही जब उसे दिखाएगा उसके गुनाह पर उसका बवाल, फिर उसे मालूम होगा।
और हमें समझना चाहिए जैसे आज के दस में भी दो चार दिन से दस मगर का जो दस है हमारा उसमें सबकी दोस्ती के ऊपर ही तफसील से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो उसमें तीन चीज़ें आता था जिमाम अहले सुन्नत ने बयान की है और चौथी चीज़ में साथ मिला कर बयान की गई है कि अव्वल को जो है वो तमाम जो पहले सब हैं उनका इत्तमाम यानी उनका पूरा करना, ठीक है, ये तमाम पूरा करने के साथ साथ फिर उनको जो है वो सब को भरना, एक तो दोनों को मतलब पूरी करना और फिर जो है उसका सीधा होना, बिल्कुल उसका सीधा रखना। और तीसरी चीज़ है तो सीधी सफ में पूरी सफ में जो लोग खड़े हैं वो भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों, तराश इसको कहा गया कि ऐसे खड़े हों जिसे कंधा रगड़ खाता है। और चौथी चीज़ एक बयान की थी कि सफ के दरमियान गैप ना हो, सफ़ के बाद फ़ौरन सफ, सफ़ के बाद फ़ौरन सफ, सफ़ के बाद फ़ौरन सफ, इस तरह सफ़ें बनाना, ऐसा ना हो कि एक सफ़ यहाँ बन गए तो चार छोड़ दी जिसमें जगह अपनी पाँचवीं सफ बना ली, ये भी ना जायज़ है, इसका भी गुनाह होगा। लेकिन बाहर नमाज हो जाए, हुक्म ये है कि नमाज हो जाए, तो जो बाहर शुरू कर देते हैं हाँ, तो अगर नमाज के साथ जमात में चूँकि शरी के पीछे नमाज तो क्यों हो जाएगी, लेकिन कतरे सब कौन करना है। قرآن کے لیے رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَسَّى إِلَىٰ فَلَا تَنْهَرْ اور جو مانگنے والا ہے اس کو تو جھڑک مت، یہ جو ہے وہ قرآن کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ سائل کو جھڑکو مت۔ اب مسجد میں اگر تو سوال کرنا ناجائز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے متعلق فرمایا کہ جو مسجد میں جو اپنی چیز ڈھونڈ رہا تھا تو اس نے یہ آواز لگائی کہ میری چیز ڈھونڈ گئی ہے، کسی کو جو ہے وہ ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مسجد میں یہ ڈھونڈ رہا اپنی چیز ڈھونڈ رہا تھا خدا کرے تجھے نہ ملے، یعنی اس کے لیے آواز لگانا، یہ اس کی وجہ پھر اپنے لیے مانگنا یہ اس سے بڑی بڑی۔ تو اول تو اگر ساحل جو ہے وہ مسجد میں سوال کر رہا ہے تو اس کے لیے سوال کرنا ناجائز ہے، مسجد میں وہ نہیں مانگ سکتا، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ باہر یعنی جو گیٹ ہے مسجد سے باہر جو مسجد سے خارج جس جگہ ہے وہاں جا کر وہ صدا لگا ہے یا مانگ رہا ہے تو اس کو وہ مانگ سکتا ہے۔ ایسا شخص مسجد میں مانگے اس کو مسجد میں دینا ناجائز ہے، مسجد کے اندر اس کو نہیں دے سکتے، اس کا وبال ہے جو مسجد میں دے گا، اس کو اس مسجد میں دینے کی وجہ سے قیامت کے دن الٹا ہی اس میں وبال کی صورت میں ایکسیپٹ میرے دے تو وہ انپڑھ دے کہ مسجد میں ہوں تو بتائیے گا، لیکن شاید کچھ ایسا ہے کہ ایک ایک پیسے کے بدلے اس کو جو ہے وہ کئی سو نمازیں اس کو جو ہے وہ وبال کرنا اس کو دینی پڑے گی، یا ایک ایک پیسے کے بدلے اس کو اس طرح کا عذاب ہوگا، ایک سیکٹ میں ذہن میں نہیں، ان شاء اللہ دیکھ کر اس سے بتا دوں گا، لیکن اس کا وبال ضرور بیان کیا گیا ہے، مسجد میں مانگنے والے کو دے نہیں سکتے مسجد کے اندر، ہاں باہر اس نے جو ہے اس کو جا کر دیا، تو ایسا شخص اگر واقعی محتاج ہے اگر حقدار ہے تو اس کو دے سکتے ہیں، اور اگر اس کو دینا ہے تو دیجیے، لیکن اگر دینا نہیں اور اس کے بعد وہ اتنا جھڑک رہے ہیں چلو تم یہاں سے نکلو آ جا کر دماغ خراب کر رہے ہیں لوگوں کی نمازیں خراب کر رہے ہیں، کیوں کرتے ہیں اس کو اس طرح سے جھڑکنا، یہ بھی جو ہے وہ منع ہے، اس کا گناہ اپنی جگہ اس کی غلطی اپنی جگہ، لیکن ہم مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ ہم اس کے باوجود کسی مسلمان کے یوں دل نہ دکھائیں، بے شک اس نے مانگا ہے غلط کیا ہے اس نے، لیکن اس کو پیار محبت سے سمجھا دیں کہ آپ کا مانگنا مسجد میں جائز نہیں ہے، آپ باہر جا کر سوال کریں، اور اس طرح کہہ کر اس کو دھکے نہ دیے جائیں، لوگوں کے گھروں پر بھی باز مانگنے والے آتے ہیں، اور پھر مانگنے والے کو تو پتہ نہیں ہوتا کون سو رہا ہے کون کھا رہا ہے کون آرام کر رہا ہے، اب وہ صدا لگا دیتا ہے ویسے مانگ لیتا ہے تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ تم سونے کے سوتے پہ آ جاتے ہو، دماغ خراب کرتے ہو، ہماری نیندیں خراب ہو، اس طرح تو ہے اس طرح کو کہہ کر جھڑکنا نہیں چاہیے، جھڑکنے سے سائن کی دل آزاری ہوتی ہے اور دل آزاری کرنا کھانا گردیلا ہونا ہے۔ اللہ پاک کی سنا آپ جی آپ کی سنا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں اکثر عموماً عورتیں ہی کپڑے دھو رہی ہوتی ہیں، اور ایک اکثریت ہے کہ جنہیں کپڑوں کو پاک کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہوتا، اب اگر وہ پاک ناپاک کپڑے شامل کر لیتی ہیں کپڑے پاک نہیں ہوتے، اب وہی شخص کوئی شخص اگر اس کپڑے کو پہن کے نمازیں اپنی پڑھ رہا ہوتا ہے دیگر عبادت، تب اس کی نمازوں کا کیا ہوتا ہے؟ اچھا سوال کیا ہے کہ آپ خواتین جب کپڑے دھو رہی ہوتی ہیں تو اول تو وہ کپڑوں کو جو ہے نا ناپاک کپڑے الگ نہیں کرتی، پاک کپڑے الگ نہیں کرتی، پاک اور ناپاک کپڑے، ناپاک کپڑے گندے ہونا اور بات ہے، کپڑے ناپاک ہونا اور بات ہے، کپڑے صاف ستھرے ہیں لیکن ناپاک ہیں، یا کپڑے گندے ہیں لیکن پاک ہیں، دونوں میں بڑا فرق ہے۔
तो अगर नापाक कपड़े पाक कपड़ों के साथ जो है वो मिला दिए या एक साथ मशीन में डाल दिए, तो अब सारा के सारा पानी उस नापाकी की वजह से नापाक हो गया और जो कपड़े पाक थे उसकी वजह से वो नापाक हो गया। तो ये करना गुनाह है, उसका गुनाह होगा यानी पाक चीज़ को नापाक करना ही गुनाह है, पाक चीज़ को नापाक करना ही गुनाह है। जानबूझकर पता है कि ये नापाक है और उसको पाक कपड़ों के साथ गोलियाँ मिला दी तो सारे नापाक हो गए, तो अब उन सबको पाक करने की ज़रूरत है, उन सबको पाक किया जाएगा। ऊपर ही होता था मशीन में तो धोली है, उसके बाद क्या करना है साफ पानी में उनको खंगालते हैं। तो अगर साफ पानी को उसको इस तरह खंगाल रहे हैं टूटी के नीचे शावर है यानी टूटी बोलती उसके नीचे उसको खंगाल रहे हैं, फिर तो पानी चूँकि बह जाएगा सारा और वो तरीका को जो एक प्रोसेस है पाक करने का वो पूरा हो जाता है कि उसके अंदर से इतना पानी बहाया जाता है कि नजासत बह जाती है। धुलने के बाद नजासत तो रहती नहीं, बस उसमें एक तरह से पानी ही निकालना होता है, कपड़ों के अंदर से पानी निकल जाता है तो वो पाक हो जाते हैं। लेकिन अगर टूटी के नीचे पाक नहीं किया या चलते हुए पानी से पाइप से पाक नहीं किया, पानी नहीं निकाला उसका, बल्कि बाल्टी के अंदर निकाला और उसको निचोड़ दिया, फिर उसी बाल्टी के अंदर दूसरा खंगाला निचोड़ दिया, तो अब और बाल्टी वाला पानी भी नापाक हो गया। इस तरह हम कपड़े पाक नहीं, तो ऐसी सूरत में जो है वो ये है कि घर की खवातीन को हम समझाएँ कि कपड़े को सही तरीके से यूँ पाक किया जाए कि टूटी के नीचे या पाइप लगाकर पानी बहाया जाए, अलग से बाल्टी के अंदर नापाक कपड़े जो है वो इस तरह से ना निकाले जाए। या तो ये कि पहले चंद हो गए कपड़े सारे बर्तन घर में 8-10-15 जोड़े हैं तो उनमें से एक दो जोड़े नापाक होते हैं वो अलग कर लिए जाए, पहले पाक कपड़े धो लिए जाएँ और उन नापाकों को जो जहाँ जहाँ पता है कि यहाँ गंदगी लगी होगी उसको उसको पाक कर लिया जाए, पहले उसके बाद उसको मशीन में डाल दिया जाए ताकि फिर जो है वो नापाक की वजह से पाक ही नापाक ना हो। उम्मीद है कि ये भी बड़ा मसला है। जो आपने कहा नमाजों का क्या हुक्म है, इसका असर पड़ता है, याद रखिए इसका असर नहीं पड़ता है कि हमारी नमाजें बस अवकात हमें इबादत में नजर नहीं नसीब होती, उसकी एक वजह ये भी होती है जहाँ जिसके हराम इंसान के पेट में हराम जाता है तो उसको दुआ में इबादत में नजर नहीं आती। इसी तरह एक वजह ये होती है कि वो कहीं ना कहीं नापाकी का शिकार होता है, चाहे कपड़ों से, चाहे लिबास जिस्म से, चाहे जगह से, चाहे दिल से, यानी दिल में भी अगर उसकी नापाकी है, नापाकी से थोड़ा कोई बुरे ख्याल आएगा तो उस वजह से भी नमाज की इबादत की लज़्ज़त ख़त्म हो जाती है। एक बुजुर्ग जो है वो बड़े नेक थे और वो जो है वो खूब तहज्जुद की नमाज भी पढ़ते थे और जो है वो फजर की नमाज भी पढ़ते थे। एक दिन उन्होंने अपनी बीवी को जो है वो ताना मारा कि तुम जो है वो नमाज नहीं पढ़ती हो या तुम जो है वो नमाज पढ़ती हो ताखीर से पढ़ती हो। तो उसने जब ताना मारा तो अगले दिन क्या हुआ कि उस बुजुर्ग की तहज्जुद की नमाज निकल गई और फजर ने भी बड़ी मुश्किल से आँख खोली। तो उसके बाद उसकी बीवी ने पूछा क्या हुआ, आज तहज्जुद भी नहीं पढ़ी, तो क्या पता नहीं आज क्या हुआ। उसने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि मैं जो है वो बुजुर्ग करके आटा गूंथती हूँ जिसकी वजह से अल्लाह ताला तुम्हें ही बरकत देता है कि अल्लाह ताला तुम्हें तहज्जुद नसीब फरमाता है, बुजुर्ग करके आटा गूंथती हूँ तहज्जुद की तौफीक तुम्हें मिलती है। आज मुझसे ही हुआ कि मैंने आज बुजुर्ग के बगैर आटा गूंथा है, इसका असर ये पड़ा कि तुमसे तहज्जुद की नमाज गई। तो देखिए औरत के किस काम का असर कहाँ आदमी पर पड़ता है, इस तरह आदमी के किस काम का असर कहाँ औरत पर पड़ता है ये भी नहीं जानते। इसलिए हर काम दीन के मुताबिक करने की कोशिश की जाए ताकि जो है वो घटे अंदर भी इसके असरात में नसीब हों। अल्लाह सबका ये अमल कबूल फरमाए, उसी को सिखाए से दूर तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب العالمين وسيكا سيكايا توفیق عطا فرما ہمارے رزق میں برکت عطا فرما یا اللہ ہمارے عمل میں برکت عطا فرما ایک میں اضافہ فرما یا رب العالمین ایک پر عمل کی توفیق عطا فرما جو بیٹھے ہیں جنہوں نے شرکت کی سیکھا یا اللہ سیکھنا قبول فرما دین کا علم سیکھا سیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی وصحبه اجمعین کل ان شاء اللہ تعالیٰ کل سے ہماری عالم کورس کی کلاسز کا آغاز ہو رہا ہے 9 بجے کے بعد ایک سوا جمع کر 9:30 بجے 9:45 بجے یہ کلاس شروع ہوا کرے گی 11:15 11:30 12 بجے تک ان شاء اللہ 2 گھنٹے کی کلاس ہوگی 1.5-2 گھنٹے کی تو ان شاء اللہ یہ کلاس شروع ہوگی۔ جو داخلہ لے چکے ہیں وہ تو یقیناً تشریف لائیں گے، آپ اگر میں سے بھی جو بیٹھنا چاہیں سننا چاہیں تو وہ شرکت کر سکتے ہیں۔